वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस क्या करूँगा अभी बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और क्वेश्चंस जो आपका 1 से लेके 7 तक है सभी में आपको ट्रेनिंग अकाउंट बनाना है। अभी तक मैंने बताया है फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, आपका फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जो आपका नेसेसरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आपका फिनांस एक्सपेंसेस, उसके बाद बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या होता है, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ये सभी का वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फाइनल अकाउंट्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा है तो जाके क्या करें, देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशंस क्या करेंगे हम आपको बना के दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो मैंने लिया है 1 से लेके आपका 7 तक का क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जाऊंगा। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022-23 वाला, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सके जो आपका ईयर वगैरह है आपका क्या होगा चेंज होगा, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे ईयर्स क्या करेंगे सेट कर लेंगे, राइट। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज आ रहा होगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे मैंने क्या किया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह बना दिया है, टाइम ऐसे बचेगा। बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स। बोलता है आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जो आपका डेटा दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सुन लीजिए। सबसे पहले परचेजेस कितना है 2 लाख, गैस वाटर कितना है आपका 6,000, परचेज रिटर्न्स कितना है 30,000, सेल्स कितना है आपका 4 लाख, कैरिज इनवर्ट कितना है 2,000, सेल्स रिटर्न्स कितना है 40,000, ड्यूटी पेड कितना है 10,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, वेजेस कितना है 22,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 30,000। और ये जो आपका डिटेल्स दिया हुआ है इसी के सहायता से क्या करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट अभी बनाएंगे। और एक बात बस करना क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है हम लोग क्या करेंगे उस डेटा को क्या करेंगे फिट कर देंगे। देखिए मैंने लिखा क्या है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, इसमें इस क्वेश्चन में बिजनेसमैन और बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ करके ऐसे लाइन खींच के छोड़ देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग कब बना रहे हैं उसका भी आपका डेट का जिक्र नहीं है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं जो इन्फॉर्मेशन से इसको अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है डेटा को क्या करेंगे फिट करेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है आपका परचेजेस, सबसे पहले क्या है परचेजेस, तो परचेजेस कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो क्या लिखेंगे टू क्या लिखेंगे परचेजेस, ठीक है। तो परचेजेस देख लीजिए कितना है आपका 2 लाख, परचेजेस कितना है आपका 2 लाख, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 2 लाख क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए परचेजेस के बाद क्या है आपका, इधर से ही चलते हैं, परचेजेस के बाद क्या है परचेजेस रिटर्न कितना है आपका 30,000, तो परचेजेस में से परचेज रिटर्न वाला क्या करते हैं लेस करते हैं, क्या करते हैं लेस करते हैं, तो क्या लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, क्या लिखेंगे परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, तो परचेज रिटर्न्स कितना आपका 30,000, कितना है 30,000, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लाख में से 30,000 माइनस हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा मेरा 1,70,000, कितना बचेगा 1,70,000 हो गया जी। उसके बाद कैरिज इन वॉट आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू कैरिज, क्या लिखेंगे टू कैरिज, क्या लिखेंगे टू कैरिज इन वॉट, टू लिखेंगे कैरिज इन वॉट, देख लीजिए कितना है आपका 2000, तो यहाँ पर कैरिज इन वॉट कितना लिखेंगे हम लोग 2000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है ड्यूटी पेड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको भी कहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में ड्यूटी पेड, राइट। तो ड्यूटी पेड देख लीजिए कितना आपका 10,000, ड्यूटी पेड कितना है
10,000 इसको भी लिख दिया। फिर क्या है मेरा वेजेस, क्या है वेजेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो आपका वेजेस, वेजेस कितना है आपका 22,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, कितना लिख देंगे 22,000 लिख दिया। उसके बाद देख लीजिए क्या है, गैस वाटर ईटीसी है, तो यहाँ पर लिखिए आपका क्या टू क्या है गैस वाटर ईटीसी है ना। तो ये सब जो गैस वाटर है ये सब कहाँ यूज होता है आपका फैक्ट्री में, आपका रॉ मटेरियल से फ्रिज गुड्स में कन्वर्ट करने से रिलेटेड, तो गुड्स रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, आपका कहाँ था गैस वाटर था ना, आपका कहाँ था ये आपका वेजेस हो गया ना, गैस वाटर कितना आपका 6,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 6,000, राइट। उसके बाद लिख लीजिए क्या है आपका सेल्स है, कहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, तो सेल्स देख लीजिए कितना आपका 4,00,000, तो सेल्स कितना लिख देंगे हम लोग 4,00,000 लिख देंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न्स क्या होगा इसमें से, लेस होगा, सेल्स रिटर्न्स क्या होगा इसमें से लेस होगा ना, तो सेल्स रिटर्न्स को क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे, कितना करेंगे 40,000, कितना करेंगे 40,000, यानी कितना हो जाएगा आपका 3,00,000, 3,00,000 कितना हो जाएगा आपका 60,000, 4,00,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका क्या ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, राइट। तो आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए कितना आपका 50,000, कितना है 50,000, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए कितना 50,000। और साथ में मेरा क्या है क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बस ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है ना उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग सब कुछ आपका सजा देंगे, राइट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 30,000, कितना है 30,000। तो इस तरह से ट्रेडिंग के डेबिट में जो जाने वाला था लिख दिया और ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाने वाला क्या किया लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस करके क्या करेंगे प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। देखिए किधर का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का ही लग रहा है 3,60,000 और 30,000 कितना हो गया 3,90,000, कितना हो गया 3,90,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 3,90,000, ठीक है जी। अब 3,90,000 में, 3,90,000 में लेस कीजिए कितना 50,000 ओपनिंग स्टॉक वाला, परचेज वाला कितना 1,70,000, ठीक है। फिर आपका 2,000, फिर कितना हो गया आपका 10,000, फिर कितना हो गया आपका 22,000, फिर माइनस कितना हो गया आपका 6,000, ठीक है। तो कितना आया 1,30,000, कितना आया 1,30,000। तो जो 1,30,000 आया ये मेरा क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या लिखेंगे टू ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आया 1,30,000, कितना आया 1,30,000। और लिख देंगे क्या ट्रांसफर टू, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कितना हो गया आपका 1,30,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बन के क्या हो गया तैयार हो गया, आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते हैं सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए लिखा सोल्यूशन नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह बना हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द ईयर एंडेड 31/3/2020, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। बोलता है कि जो भी आपका डिटेल्स दिया हुआ है इसके साथ साथ आप क्या बनाइए आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और कब 31 मार्च 2020। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डेट दिया हुआ है, डेट देगा तो डेट का मेंशन करेंगे, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ नाम नहीं दिया हुआ है बिजनेसमैन या बिजनेस का, तो इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे कौन सा आपका 31 मार्च, कितना आपका 2020,
कितना 31 मार्च 2020। अगर आपके पास पुराना वाला आपका बुक एडिशन होगा तो ईयर चेंज होगा, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है हम इन्फॉर्मेशन को फिट करते हैं। सबसे पहले क्या है ओपनिंग स्टॉक, कहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया आपका 90,000, ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 90,000। उसके बाद क्या है परचेजेस, उसके बाद क्या है परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में। बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग क्या करेंगे डेटा को फिट कर देंगे। कितना है आपका 262,000, तो कितना लिखेंगे 262,000। ठीक है 262,000। उसके बाद क्या देख लीजिए परचेज रिटर्न्स है कितना आपका 12,000, तो लेस कर देते हैं, क्या लेस कर दे हम लोग परचेजेस रिटर्न्स को क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे राइट। कितना आपका देख लीजिए 12,000, कितना है 12,000 है ना आपका 12,000, तो 162,000 में 12,000 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 250,000 राइट, यानी कितना बचेगा आपका 2,50,000 यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या है सेल्स है ना, सेल्स को कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, तो सेल्स देख लीजिए कितना है आपका 525,000। ठीक है जी 525,000 हो गया सेल्स। उसके बाद क्या सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स कितना आपका 10,000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग लेस, लेस क्या लिखेंगे सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न्स आपका देख लीजिए कितना आपका 10,000, कितना है 10,000, तो हम लोग क्या करेंगे 525,000 में 10,000 क्या करेंगे लेस करेंगे, कितना आएगा 515,000, कितना आएगा 515,000, 525 में 10,000 लेस करेंगे कितना आएगा 515,000। ठीक है उसके बाद क्या है आपका वेजेस, वेजेस कहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस कहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में, तो वेजेस देख लीजिए कितना है आपका 30,000, वेजेस कितना है आपका 30,000। बस जैसा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है इन्फॉर्मेशन को फिट करते जाइए। उसके बाद क्या बोलता है 30,000 हो गया। उसके बाद क्या है आपका कैरिज इन व्हाट, क्या है कैरिज इन व्हाट, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टू कैरिज, क्या लिखेंगे टू कैरिज, टू लिखेंगे क्या कैरिज इन व्हाट, कैरिज इन व्हाट कितना है आपका 4,200, कितना है आपका 4,200। कैरिज आउटवर्ड रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है उसके बाद क्या है फैक्ट्री रेंट, क्या है आपका फैक्ट्री रेंट, तो लिख दीजिए आपका फैक्ट्री रेंट, ध्यान से फैक्ट्री रेंट है तब ट्रेडिंग के डेबिट में, सिर्फ रेंट रहता तो पीएल के डेबिट में, याद रखिएगा कितना आपका 24,000, कितना लिख देंगे हम लोग 24,000। उसके बाद क्या है ड्यूटी क्लीयरिंग चार्जेस, ड्यूटी क्लीयरिंग चार्जेस गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, ड्यूटी आपका क्या है क्लीयरिंग, ड्यूटी क्लीयरिंग क्या है आपका चार्जेस है राइट, तो ड्यूटी क्लीयरिंग चार्जेस जो है वो कितना है आपका 20,000, कितना है आपका 20,000, तो 20,000 लिख दीजिए। उसके बाद देख लीजिए क्या है आपका वाटर चार्जेस, क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से है ना, यहाँ से है इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस, तो लिखते हैं पूरा जगह भी है मेरे पास, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फिर कौन है मेरा वाटर चार्जेस राइट, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस। ठीक है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस कितना है मेरा 16,000, कितना है 16,000, तो 16,000 लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए मेरा कितना हो गया 82,000, कितना हो गया मेरा 82,000 राइट। तो जनरली मैंने सारा इन्फॉर्मेशन क्या क्या लिख दिया, अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए देखने में कहाँ लग रहा है क्रेडिट का ही अमाउंट ज़्यादा है, तो इधर कितना हो गया देख लीजिए 515,000 और फिर कितना हो गया 82,000, तो कितना हो गया आपका 597,000
597,000, ठीक है जी, ये हो गया टोटलिंग। अब क्या करें, सबको लेस कीजिए, कितना 90,000, तो 90,000 को लेस कर देते हैं। फिर कितना लेस होगा आपका 2,50,000, फिर कितना लेस होगा आपका 30,000, फिर कितना लेस होगा 4,200, फिर 24,000, फिर 20,000 और फिर कितना आपका 16,000, ठीक है। तो कितना आया 1,62,800, कितना आया 1,62,800। तो ये जो 1,62,800 आया, ये मेरा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आया था 1,62,800। और ये भी ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट में, ये कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, ट्रांसफर टू आपका क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो गया 1,62,800, 1,62,800। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद 4, 5, 6, 7, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। मैं आशा रखता हूं कि ये सब आपको दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, ये सब फॉर्मेट बना दिया है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 3 में, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। मतलब बोलता है कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है इसके साथ साथ आप क्या बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2020 के अंत में। और क्या क्या है देख लीजिए, आपका एडजस्टेड परचेस कितना है 5,03,000, वेजेस कितना है 4,000, फ्रेट एंड कार्टेज कितना है 3,000, वर्क्स एक्सपेंसेस 6,000, सेल्स रिटर्न 10,000, सेल्स है आपका 6,30,000, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 और रेंट का अमाउंट ही नहीं दिया है, क्यों, सब बताएंगे। और एडजस्टेड परचेस दिया हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट है, सब हम आपको क्या करेंगे, अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझाएंगे। सबसे पहले देखिए लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम नहीं है, छोड़ देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, आपका 31 मार्च 2020। देखिए सबसे पहला इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन क्या है, एडजस्टेड परचेस, क्या है एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेस रहेगा तो आप थोड़ा क्या हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, ध्यान से, एडजस्टेड परचेज नहीं है, एडजस्टेड परचेज है, ठीक है, क्रय समायोजित इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान सुनिए। बोलता है कि जब एडजस्टेड परचेज रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि उसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक सब का फाइनली अमाउंट निकालने के बाद एडजस्टेड परचेज का अमाउंट दिया हुआ रहता है। यानी जो एडजस्टेड परचेज है इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक सारा अमाउंट को प्लस माइनस करने के बाद एडजस्टेड परचेस का अमाउंट दिया हुआ कितना, 5,03,000। देखिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, एडजस्टेड परचेस का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ तो और आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए क्या है आपका एडजस्टेड परचेस, राइट, ये क्या है आपका एडजस्टेड परचेस, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, ये क्या है आपका एडजस्टेड परचेस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, राइट, प्लस क्या होता है नेट परचेस, प्लस क्या होता है आपका नेट परचेस और माइनस क्या होता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या होता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, बात समझे। और एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस
परचेजेस में से परचेज रिटर्न घटाने के बाद जो आएगा क्या कहलाएगा, नेट परचेजेस। तो ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वही क्या कहलाएगा, एडजस्टेड परचेज। यानी एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये सबका अमाउंट का जिक्र ऑलरेडी हो चुका होता है। तो हम लोग उसी को फाइनली क्या निकालते हैं, एडजस्टेड परचेज। तो ध्यान सुनिए, जब एडजस्टेड परचेज दिया रहे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक रहेगा उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, नेट परचेजेस या परचेजेस उसका भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसका भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेज निकालने में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब का जिक्र हो चुका है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। तो जब एडजस्टेड परचेज दिया रहे तो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक का अगर इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है आपका एडजस्टेड परचेज, तो लिख देते हैं एडजस्टेड परचेस। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू क्या लिखेंगे, एडजस्टेड, क्या लिखेंगे, टू एडजस्टेड परचेस, राइट, टू लिखेंगे क्या, एडजस्टेड परचेस। तो एडजस्टेड परचेस कितना हो गया आपका, 503,000, कितना हो गया मेरा, 503,000, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है आपका, उसके बाद रजिस्टर्ड परचेज है ना, फिर क्या है मेरा, वेजेस। तो वेजेस तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेजेस। वेजेस देख लीजिए कितना है आपका, 4000, वेजेस कितना है, 4000, वेजेस कितना है आपका, 4000 आपका क्या हो गया, आपका वेजेस, ठीक है, वेजेस कितना हो गया, 4000। उसके बाद क्या है, फ्रेट एंड कार्टेज, फिर क्या है आपका यहाँ पे, आपका फ्रेट, फ्रेट और कौन है आपका, कार्टेज, राइट, फ्रेट और कौन है आपका, कार्टेज, फ्रेट एंड कार्टेज देख लीजिए कितना है आपका, 3000, फ्रेट एंड कार्टेज कितना है आपका, 3000, तो 3000 लिख दिया। उसके बाद क्या, वर्क्स एक्सपेंसेस, कारखाना एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क्स एक्सपेंसेस, राइट, क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क्स एक्सपेंसेस कितना आपका, 6000, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, वर्क्स एक्सपेंसेस 6000, कितना लिखेंगे, वर्क्स एक्सपेंसेस 6000। उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न्स, उसके बाद सेल्स, तो इधर लिखेंगे ना क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे, बाय सेल्स, देखिए सेल्स कितना है आपका, सेल्स कितना, 630,000, सेल्स कितना आपका, 630,000, तो सेल्स लिख दिए 630,000, और लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस क्या, सेल्स रिटर्न्स, क्या लेस करेंगे हम लोग, सेल्स रिटर्न्स, देखिए सेल्स, तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं ना, सेल्स रिटर्न्स को क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। तो सेल्स रिटर्न्स देखिए कितना है आपका, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न्स कितना था आपका, 10,000, तो सेल्स रिटर्न कितना हो गया, 10,000, तो आपका 630,000 में 10,000 माइनस हो गया, कितना बचा, 620,000, कितना बचा, 620,000, ठीक है। उसके बाद ध्यान से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे नहीं, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे नहीं, नेट परचेज लिखेंगे नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका ट्रीटमेंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेज निकालने में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो इसको नहीं लिखिएगा, लिखेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। रेंट, अब कोई बच्चा बोलेगा, स्टूडेंट सर रेंट का अमाउंट नहीं लिखा, छोड़ दिया क्या, भूल गया क्या, नहीं, अरे भैया रेंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये रेंट क्या है मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट वाला, पीएल के डेबिट में इनडायरेक्ट वाला, और बैलेंस शीट का असेट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला आइटम लिखा जाता है। डायरेक्ट वाला आपका पीएल में नहीं लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट वाला ट्रेडिंग में नहीं लिखा जाएगा, जिसका जो जगह है वहीं पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये रेंट का अमाउंट देता या नहीं देता, हमको ट्रेडिंग में लिखना नहीं था, नहीं दिया मत दे, हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि रेंट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही आइटम था, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा होगा ना, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 620,000, राइट, और यहाँ पर भी कितना हो गया मेरा, 620,000, 620,000 में ऊपर में जितना आइटम है सबको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, तो 620,000 लेस करेंगे कितना, 50 आपका 3300 हो गया, माइनस करते हैं कितना, 4000,
फिर कितना माइनस कर दें 3000, फिर कितना माइनस कर दें हम लोग 6000, तो कितना आया 104000। कितना आया 104000। तो जो 104000 आया ये मिला क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे टू क्या लिखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कितना 104000। ठीक है, और इसको क्या करेंगे ट्रांसफर टू आपका क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आप क्या करें इसका भी क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या किया होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो गया लंबा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस आपका 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।